आने दे भाई आने दे। चौका चौका वेरी गुड डेंसी। यार गुड्डू इस बॉल में आउट करके मानियो। अबे चल इस बॉल में तो बेटा तू आउट है। अरे तेरे बस की आउट करना मेरे को, जब मर्जी आ जियो। ये ले। आउट 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 है। शिट आउट। नॉट आउट नॉट आउट। नो बॉल नो बॉल। ओ भाई आउट है। हम एम्पायर है, जो हम कह देंगे ना वही आखिरी फैसला होगा, और हमने कह दिया ना नो बॉल है तो नो बॉल है, नॉट आउट हो गया। हाँ सही कह रहा है एम्पायर, नो बॉल है नो बॉल। तूने गलत करी थी, चार टप्पे हो गए थे तेरी बॉल में। ऐसे नहीं मारी ना, रुक। ओ मैंने जब कह दिया ना आउट है तो आउट है। आउट नहीं है, नॉट आउट है मेरी बहन। अरे ओ अनाथ लड़की, ज्यादा बकवास मत कर। मैंने जब कह दिया ना आउट है तो आउट है। वो तो अच्छा इसके मम्मी पापा ने तेरे को पाल लिया, वरना यही भीख मांगती और यही पड़ी रहती। ये जो अच्छे कपड़े पहन रखे है ना तूने, ये भी नहीं मिलते तेरे को। अभी क्या बोलने जा रहे है इसको? अनपढ़, गवार, अनाथ, भिखारन। अबे अबे ओए गुड्डू, क्या बोले जा रहे तू मेरी बहन को? हाँ तो आउट नहीं देगी तो मैं अनाथ ही बोलूंगा ना। अबे ओए अनाथ नहीं है मेरी बहन, समझ आई बात? मेरे मम्मी पापा भी इसके मम्मी पापा है, और मेरे सारे दोस्त भी उसके दोस्त हैं। कहाँ से अनाथ हो गई? वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन। अनाथ अनाथ अनाथ। ओ गुड्डू फालतू मत बोल, थप्पड़ थप्पड़ मारूंगा तेरे को यही। अपनी ना जुबान को लगाम दे ले। अब एक और बार उसको अनाथ बोला ना तेरे को उल्टा लटका दूंगी पेट से। फिर ये ले, ANATH अनाथ। बस बस करो और मत मारो उसको। कोई बात नहीं, माफ कर दो। चल निकल। तुम सारे तो गई, अब मैं अपने भाई को बताऊंगा, देख लेना। अब मैं चल निकल। हट। आया बड़ा बहन, तू ना उसकी बातों को सीरियसली मत लियो दिल पे, ठीक है? वो तो है ही बदतमीज एक नंबर का। मैंने इनको कहती थी कि उसको अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, बदतमीज कहीं का। कोई बात नहीं, तू ना उदास मत हो ऐसे। हाँ बहन और क्या, वो तो पागल है। तू अनाथ थोड़ी ना, तेरे तो मम्मी पापा भी है, तेरी बहन भी है और तेरे दोस्त भी है, तो फिर अनाथ कैसे हुई? ओए रो क्यों रही है यार? अरे वो गंदा बच्चा है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ बहन तू रो मत, ठीक है ना? तू रोएगी ना तो फिर मैं भी रोने लग जाऊंगी। दो दो को चुपकी से कराए। हाँ चल बहन घर चलते हैं। हेलो, देख भाई इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूँ, और यहाँ पे जितनी भी लड़की सप्लाई होती है मैं ही करता हूँ। तो मेरे होते हुए तू यहाँ पे उतरेगा तो देखो बहुत दिक्कत होगी। और क्या, खामखा तो पंगे ले रहा है मेरे से, तू जानता नहीं है कौन हूँ मैं। भाई आपका इतना बड़े गुंडे होने का क्या फायदा, जब चार बच्चों ने मेरे को मिलके मारा। तू जानता उन्हें कौन है वो? हाँ भैया जानता हूँ ना, उसमें तो दो बहन तो जुड़वाई है। जुड़वा क्या, एक तो अनाथ है, उस नैंसी के घर वालों ने उसको पाल के रख लिया, और तो उस अनाथ लड़की की वजह से आज मेरी लड़ाई हुई है। भैया भैया आपका खौफ ही खत्म हो चुका है इस शहर में। कोई नहीं छोटे, अब तेरा भाई उनसे मिलेगा ना, अब सबके अंदर तेरे भाई का खौफ फिर से आ जाएगा। चल नैन्सी, दुकान से जाके दूध और ब्रेड लेके आ। जा जा। अब मम्मी मैं नहीं जा रही, बहुत ठंड हो रही है, बारिश को भेज दो आप। हैं?
वो लड़की दिन भर घर पे काम करती है और तू क्या करती है निकम्मी, लेके आ जा। तू चली जाना जाना, हम नहीं जा रहे, आप खुद जाओ। अरे यार मेरे को नहीं जाना, नहीं तो बाहर इतनी ठंड हो रही है, मेरे को तो मूवी देखनी है, मेरी मूवी भी निकल जाएगी सारी। हाँ इसी को करती इमोशनल ब्लैकमेल। बहन तू चली जाना प्लीज ना, मेरी बहन नहीं अच्छी। एक बात बता, इस घर में मैं तेरे को लेके आई थी ना, तेरे लिए मैंने इतना सब कुछ किया है, मम्मी पापा दिए, घर दिए, एक बहन दी, इतने सारे दोस्त दिए, तो मेरे लिए इतना सा काम तो कर सकती है ना, दूध और ब्रेड ही तो लेके आना है बस दुकान पे जाके। बात तो सही कह रहे हैं, हम ही चले जाते हैं। ठीक है बहन हम ले आते हैं। ठीक है बहन जल्दी आइयो। हाँ यस हो गया काम मेरा। अब बैठ के आराम से मूवी देखती हूँ। दो किलो दूध, एक ब्रेड का पैकेट, दो किलो दूध, एक ब्रेड का पैकेट। यही है वो? हाँ भाई यही है। लेकिन तुझे कैसे पता? तू तो ये कह रहा था कि दोनों बहनें जुड़वा हैं, तू ये कैसे कह सकता है कि वही लड़की है जिसे किडनैप करना है हमें? हाँ भाई आप बात तो सही कह रहे हो। रुको मेरे पास एक आइडिया है। बहन अब तूने मेरे को माफ तो कर ही दिया होगा ना? हाँ गुड्डू हमने तुझे माफ कर दिया। हम इसका मतलब यही है भाई, यही है, जल्दी आ। अरे गुड्डू क्या कर रहा है तू? अरे क्या कर रहा है, छोड़ मेरे को, ये कौन है? अरे हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो? नैन्सी तू गई नहीं? मम्मी मैं जा रही थी, पर वो क्या हुआ ना कि फैंसी ना जिद करने लगी कि मैं चली जाती हूँ, उसका घूमने का मन कर रहा था बाहर जाके, तो इसलिए वही बोली। मैं तो मना कर रहा था कि तू क्यों जा रही है, मम्मी ने मेरे को बोला है काम तो मैं ही करूँगी काम, पर फिर उसका मन था जाने का ना बाहर, तो फिर इसलिए वो चली गई। मैंने रोका था पर रुकी नहीं। बाहर ने तो नहीं मना रही? नहीं नहीं मम्मी वही दूध लेके आ रही है और ब्रेड लेके आ रही है, उसी का मन था। चल ठीक है आ जाएगी। यार 3 घंटे हो गए वो आई नहीं अभी तक दूध ब्रेड लेके, मम्मी को बताना पड़ेगा। मम्मी हाँ फैंसी नहीं आई अभी तक दूध लेके। क्या अभी तक नहीं आई वो? अरे रुक मैं संजय को फोन करके पूछती हूँ। काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़। हेलो हेलो। हाँ जी बहन जी। भाई संजय फैंसी आई है तेरी दुकान पे? नहीं नहीं फैंसी तो यहाँ आई नहीं दुकान पे। क्या आई नहीं है? ठीक है धन्यवाद भाई। वो तो कह रहा है आई नहीं है फैंसी वहां पे, ये लड़की गई कहाँ? एक काम करते हैं 1 घंटा वेट करके देख लेते हैं कहीं घूमने ना निकल गई हो। जा परेशान मत हो तू। रहेगी लड़की मम्मी आई वो? नहीं आई बेटा, मैं तो बहुत घबराहट हो रही है, कहाँ रह गई लड़की हमारी? मैं देख के आती हूँ बाहर, तू घर का ध्यान रख। अरे यार कहाँ चली गई वो? सब मेरी गलती है, उसको भेज दिया मैंने दूध लाने के लिए। मम्मी मिली? कहीं नहीं मिल रही, मैं तो आसपास हर जगह देखाई, पड़ोस में भी नहीं है,
मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटा। मम्मी घबराओ मत, एक काम करते हैं पुलिस थाने चलते हैं। हाँ मम्मी, पुलिस ही हेल्प करेगी हमारी। चलो चल बेटा। सर। हाँ जी आइए बैठिए। हाँ तो बताइए। सर मेरी बेटी गुम हो गई है फैंसी, और मिल नहीं रही है, 2-4 घंटे हो गए हैं। ठीक है मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। हाँ मुझे बच्चे की सारी डिटेल्स बताइए। उसने 2 चोटी बना रखी थी और और 5.4 उसकी हाइट है। मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है, अब आप मुझे वहाँ ले चलो जिस एरिया से वो गायब हुई है। जी सर मैं आपको लेके चलती हूँ, वो लास्ट टाइम मुझे पता है कि किस रास्ते से गई थी। मम्मी आप परेशान मत हो और आप ना घर चले जाओ, क्या पता वो घर पे आ जाए, है ना। मैं पुलिस अंकल के साथ जाती हूँ, आप घर पे जाओ। ठीक है। सर यही है वो गली जो दुकान पे जाती है, यहीं से गई थी मेरी बहन फैंसी दूध लेने के लिए। अच्छा चलो देखते हैं कोई सबूत मिल जाए। एक मिनट, वो देखो सीसीटीवी कैमरा। हाँ सीसीटीवी कैमरा है। चलो इसकी क्लिप चेक करते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। ठीक है। चलो इस सीसीटीवी क्लिप से कुछ ना कुछ सबूत हाथ लग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ये तो हमारा दोस्त है गुड्डू, सुबह ही जिसे लड़ाई हुई थी मेरी बहन की और मेरी। ये है दोस्त तुम्हारा? और इसके साथ पता है कौन है? इस शहर का बहुत बड़ा क्रिमिनल है, लड़कियों की तस्करी करता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लड़की को ले आके भेज देता है। इसने मेरी बहन को किडनैप कर लिया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। कोई बात नहीं, इतना सबूत मिल गया ना हमें, इसको पकड़ लेंगे। अब टेंशन मत लीजिए और जाइए। यार पुलिस वाले अंकल तो अपना काम कर लेंगे, पर हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना, ताकि मेरी बहन जल्दी मिल जाए। पर करे क्या, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। हाँ यार कुछ प्लान ही नहीं है दिमाग में। लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम लोग मिसिंग के पोस्टर छपवा देते हैं और उसके ऊपर ना मेरी बहन की फोटो छपवा के और पूरे के पूरे 50,000 का इनाम रखवा देते हैं। पैसों के चक्कर में कोई ना कोई तो हमारी बहन को ढूंढने में मदद करेगा ना। हाँ सही कह रही है, मस्त प्लान है यार। लेकिन एक डाउट है, 50,000 कहाँ से लाएंगे हम बच्चे? अरे यार मेरे पापा ना बिजनेस डील के लिए दुबई गए हुए, बहुत बड़ी डील हाथ लगने वाली है उनके। और वैसे भी 50,000 रुपए क्या है मेरी बहन के आगे, मेरी बहन की कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ चलो प्रिंट आउट करवाने चलते। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम इसको। भैया मेरी फ्रेंड कहीं घूम गई, अगर आपको मिले तो बताना प्लीज। ठीक है बता दूंगा। पचास हजार रुपए ये तो खुद मेरे पास चल के आ गए, अभी पकड़ता हूँ। मिल गई। क्या कर रहे हो भैया? अरे मिल गई। क्या मिल गई? अरे तू मिल गई। मैं कहाँ मिल गई? ये देख 50,000 रुपए। अच्छा ये, अरे भैया ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, मैं वो हूँ जो आप नहीं समझ रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ, तो भैया तो इसमें है। नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ इसमें, मेरे जैसी है वो, हम दो है दो, मैं नहीं हूँ भैया ये। छोड़ इसको, क्या कर रहा है? अरे भाई मिल गई। नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, ऐसी दो है। दो है? मैं सब समझ रहा हूँ, तुम दोनों मेरा पैसा खाना चाहते हो ना, मैं तो लेके जाऊंगा इसको। ओ मैं न्यू, ये है। अबे मैं भी न्यू हूँ, तुम पागल कर रहे हो। ये भी न्यू है।
अरे आंटी, अरे आंटी, दोनों क्या है? ये देखो। क्या देखूं? अरे लिया है आपकी लड़की को ढूंढ के। फैंसी मिल गई? काय फैंसी? फैंसी? अरे आंटी अंधे हो गए हो क्या? इतनी बड़ी लड़की खड़ी आपकी दिखाई नहीं दे रही। पागल है क्या? ये नैंसी है, मेरी दो बेटी है। फैंसी नैंसी, फैंसी कहाँ है? इतनी देर से मम्मी यही समझा रहे हैं हम इसको, पता नहीं कहाँ से पी के आया है। अरे दूसरी हुआ चाहे तीसरी हुआ, आपने जिसकी फोटो छाप रखी मैं उसको लेके आया हूँ। चलो निकालो मेरे 50,000 रुपए। अरे राम की मेंटल आदमी, 50,000 चाहिए? हाँ चाहिए, लेके आया हूँ आपकी लड़की को। हाथ तो छोड़ दे मेरा अब। ये ले। हाँ मिलेंगे अभी, चलो। 50,000 चाहिए मेरी। अरे भाई तुझे मने को दिमाग खराब हो रखा है, इसने पी के और दिमाग खराब कर दिया। हाँ नहीं तो मम्मी इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था देवड़ा। मम्मी फैंसी के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है, आप वो पुलिस अंकल से पूछो ना, वो बताएंगे कुछ पता लगा कि नहीं उन्हें। इंतहा हो गई तेरे यार की, आई ना कुछ खबर। हेलो हेलो सर, मैं फैंसी की मम्मी बोल रही हूँ। फैंसी का कुछ पता चला? अरे मैडम अब क्या ही बोलूँ मैं, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैडम मैं सच बताऊँ ना तो आपकी बेटी का मिलना मुश्किल है। और मुश्किल क्या, ऐसे केस में किसी लड़की का मिलना बहुत ही नामुमकिन है, इतने केसेस आ चुके हैं लेकिन आज तक तो कोई लड़की मिली ही नहीं। आप अपनी लड़की को भूल जाओ, अब वो मिलने वाली नहीं है, और मैं फोन रख रहा हूँ। सर सर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। मम्मी आप चिंता मत करो, मिल जाएगी हमें। भैया हमने इसको किडनैप तो कर लिया, पर करेंगे क्या इसका? वही करूँगा जो मैं सबके साथ करता हूँ, लड़की होगी स्मगलिंग। और ये लड़की तो बहुत ही गोरी चिट्टी है, डबल रेट में बिकेगी है। हैं भैया कितने मिल जाएंगे इसके? छोटे कम से कम तो 10,00,000 रुपए मिलेंगे इसके। अच्छा 10,00,000, ठीक है फिर भैया जल्दी से जल्दी बात करो ना, और मेरा कमीशन 10% बोलना मत। अरे हाँ दे दूँगा, चिंता मत कर। गुड्डू हमारी बात सुनो, मैं ना तुम लोगों के साथ ही हूँ, मैं नैन्सी के साथ नहीं मिली हुई हूँ। अच्छा तुम्हारे भैया को हमें बेचने के कितने 10,00,000 रुपए मिल रहे हैं, बस उनसे बोलो कि हम ना उन्हें 10,00,000 से ज़्यादा रुपए दिलवा सकते हैं, पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? आपको क्या लगता है कि हम उस नैन्सी के घर में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमें माँ बाप का प्यार चाहिए? हमें माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए, हमें तो उनकी जायदाद चाहिए। बस एक बार मौका मिल जाए हमें तो हम उस बुढ़े बुढ़िया को जान से मार के पूरी की पूरी जायदाद अपने नाम कर लेंगे, बस यही हमारा मकसद है। और हाँ अब हम तुम लोगों के साथ हैं और हम तुम्हें 1 करोड़ रुपये दिलवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके घर में 1 करोड़ रुपए छुपे हुए हैं, लेकिन कहाँ छुपे वो बस हमें ही पता है। तो अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिलवा सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी एक शर्त है, उस 1 करोड़ में से 50,00,000 रुपए हम लेंगे और 50,00,000 रुपए तुम। वैसे छोटे सुन हा? प्लान बुरा नहीं है, और एक बार अगर पैसे हाथ में आ गए ना इसे कौन नहीं देगा 50,00,000 रुपए। और एक बार सोच के देख, इतने सारे पैसे मिलेंगे ना मजे ही आ जाएंगे, और एक बार पैसे मेरे हाथ में आ गए ना मैं इसे भी ठिकाने लगा दूंगा। ज़्यादा सोचिए मत, हम आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं, अगर ठुकराओगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है मंजूरा में। ठीक है
तो फिर आप हमें जल्दी से खोल दीजिए और फिर हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर पूरे 1 करोड़ रुपए छुपे हुए हैं। छोटे जाके खोल दे से। ठीक है भैया। चलिए चलो। आ जाओ हमारे साथ चलो। अच्छा आ जाओ। अरे यहाँ पे तो बहुत अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें। तो हमें कौन सा कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ना आप लोग एक काम करो, हम यहीं पे खड़े होके आप लोगों की पहरेदारी करते हैं, ठीक है? आप लोग नीचे जाओ और नीचे बीच वाले कमरे में बैठ के अंदर रखा हुआ है पूरा 1 करोड़ रुपया, ठीक है? हम यहीं खड़े, अगर कोई भी आएगा ना तो हम सीटी बजा देंगे, आप लोग भाग के ऊपर आ जाना। ठीक है, चली जाइए। ठीक है, तुम यहीं पे रहना। हाँ, हम यहीं हैं। छोटे आराम से, अंधेरा बहुत है। छोटे संभल के आइयो। छोटे मेरी गन कहाँ चली गई? और भी है मेरा चक्कू। ढूंढ ढूंढ ही गई होगा, जल्दी ढूंढ। भैया इन दोनों को यहीं छोड़ते हैं, अगर कोई उठ गया ना तो हम फंस जाएंगे। जल्दी से जल्दी पैसे लेके चलते हैं। तू सही कह रहा है छोटे, अगर 1 करोड़ रुपए मिल गए ना ऐसे हथियार तो हम और भी खरीद लेंगे। चल पहले पैसे लेके आते हैं। चल आजा आजा। अबे यहाँ पे तो अबे लाइट जल रही है। हाँ भैया। चल कोई नहीं, हम तो अपना काम करेंगे और निकलेंगे। अबे ये लोग। अरे भैया आप क्यों डरे हो, आप तो डोनो। हाँ छोटे तू सही कह रहा है, मैं क्यों डरूंगा इनसे, मैं तो यहाँ का डॉन हूँ, मुझे डर नहीं लगता। सही कह रहे हो, आप तो डोन है, आप क्यों डरोगे किसी से, इसलिए आपके लिए ना एक गिफ्ट है। अरे भैया ये डांस करने का टाइम नहीं है, छोड़ो इसे। तुम्हारी तो मम्मी चलो। कितना मारा मैं आगे से, मेरी बेटी को अनाथ बोला ना, तुम्हारी खैर नहीं है। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है, हम करके इसने हमें ही पिटवा दिया। और तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम लोगों का ही दिमाग चलता है, हमारा और हमारी बहन का दिमाग ना सबसे तेज चलता है। ये सब कुछ ना हमारा प्लान था। क्या प्लान था? आ जाओ हमारे साथ चलो। भैया। हाँ भैया हमें ना बहुत भूख लग रही है, और जब भी हमें भूख लगती है ना हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और अब हमारे दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया और हम भूल गए हैं कि वो 1 करोड़ रुपए उन्होंने कहाँ रखे थे। तो अगर थोड़ी सी पेट पूजा हो जाती ना तो हमें याद आ जाता कि वो 1 करोड़ रुपए कहाँ रखे हैं। अच्छा ठीक है रुक जा,
तू यहाँ पे बैठ, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। छोटे मेरी बात है, तुम ध्यान से सुनो, मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, तू ना ध्यान रखियो उसका। ठीक है भैया। मैं एक मिनट में यही रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ चली गई मेरी बहन? फैंसी तो कहाँ चली गई? कितने मजे आते थे तेरे साथ, मम्मी भी कितनी परेशान हो रही है। भगवान जी प्लीज मेरी बहन को भेज दो वापस प्लीज। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो नैंसी, हम बोल रहे हैं। फैंसी फैंसी तू कहाँ है? तू किसके साथ है? कहाँ पर है तू? ठीक तो है ना बहन? हाँ, ये गुड्डू ने ना और इसके भाई ने मिलके हमें किडनैप कर लिया और ये हमें बेचने वाले थे। क्या? नहीं नहीं तुम घबराओ मत, ठीक है? मेरे पास ना बहुत अच्छा प्लान है। हम ना इन्हें हमारे घर में ही लेके आ रहे हैं, तो प्लान ना कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना और पूरी तैयारी अच्छे से करना। हाँ ठीक है बता। नीचे गिरा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं सारी तैयारी रखूंगी, ठीक है? ठीक है, हम रखते हैं फोन। हेलो हेलो, अरे यार शायद वो किडनैपर्स आ गए। ये ले पकड़, मिटा ले अपनी भूख। थैंक यू। रौनक को फोन मिला के बुलाती हूँ। ये इस सब कुछ ना तेरे कारण हुआ है, और पंगे ले ले जुड़वा बहनों से। अगली बार बोला पढ़ाई लिखाई करो, ये भैया से बोलो नहीं तुम्हें तो अपने भाई की तरह गुंडागर्दी करनी है ना, करवा दिया हमें भी। सर ये रहे वो दोनों। अच्छा ये है वो दोनों, कोई नहीं मैं देखता हूं इनको। तुम दोनों की खातिरदारी तो मैं करूंगा, लड़कियों की स्मगलिंग करते हो ना, जेल में चलो अच्छे से चक्की पिसवाता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू बच्चों, आप लोगों की वजह से इन दोनों को पकड़ने में हम कामयाब हो गए, और खासकर इस क्रिमिनल को। चलो तुम दोनों गेट कॉल, अच्छे से पीटना उसको। अंकल पापा। हेलो हेलो। हाँ जी नैंसी फैंसी की मम्मी, कैसे हो आप? हाँ सब ठीक है। और नैंसी फैंसी कैसी है? अरे दोनों ठीक है, फैंसी भी और नैंसी भी, खा रही है यहाँ पे। चलो ठीक है। हाँ जल्दी आना। ओके बाय बाय। मम्मी सही करा, आपने पापा को कुछ भी नहीं बताया, फालतू में ही टेंशन ले लेते। हाँ मम्मी सही कह रही है वो, पापा तो फालतू में ही टेंशन लेते। चलो आंटी मैं चलता हूँ।